और अब ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी में करीब 81% छात्र पास हुए हैं। ये तमाम अपडेट भी एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास में करीब 81% 80.74% बच्चे जो कि पास हुए हैं। ये लड़कियां बाजी मारती हुई एक बार फिर से इन रिजल्ट्स में नजर आई हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 6 लाख से ज्यादा बच्चों की तरफ से एग्जाम दिया गया था और अब ये 6 लाख बच्चों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से जो अंक आपको मिले उससे आप असंतुष्ट हैं तो 15 दिन के अंदर आप इसे एक बार फिर से दोबारा जांच के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ आपको चार्जेस भी देने होंगे। इसके लिए ₹500 का शुल्क भी बच्चे को प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से देने होंगे। वही अंकों के फिर से गिनती के लिए ₹100 का शुल्क निर्धारित है। इसी तरह आंसर शीट की फोटोकॉपी हासिल करने के लिए भी प्रत्येक विषय के लिए ₹500 आपको चार्ज देना होगा। नंबर से अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर से पेपर चेक होगा। यदि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसने पेपर बहुत अच्छा दिया था लेकिन नंबर कम मिले हैं तो ऐसे बच्चे फिर से अपना पेपर चेक करा सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर परीक्षा में असफल होने वाले बच्चों के पास आगे और भी अवसर रहता है। एक या दो विषय में फेल होने वाले बच्चे पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और इसमें सफल होने के बाद से आगे की कक्षा में जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुश, रिजल्ट जारी कर दिया गया, कैसा रहा रिजल्ट? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभी प्रेस ब्रीफिंग चल रही है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल विभाग के जो सचिव है वो जो है तमाम जानकारी दे रहे हैं और तमाम जानकारी के बाद अब ये पूरा स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, किस स्कूल का कितना परसेंटेज रिजल्ट रहा है। तमाम चीजें जो है वो ब्रीफ की जा रही है, ब्रीफिंग अभी वहां पर चल रही है। क्या ये पता चल पाया कि 12th या 10th में किसने अभी टॉप किया है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी अगर नामों की अगर बात करें तो कुछ नाम अभी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप अगर ऑपोजिशन की बात करें तो जैसे कि पद्मिनी सांडिल्य करके एक बच्ची है जिसने 5वीं पोजीशन हासिल की है पूरे छत्तीसगढ़ में और ये 10वीं की छात्रा है। इसके अलावा जिज्ञासा एक बच्ची है जिसने 5वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा 10वीं की एक स्टूडेंट की बात करें तो जेमिनी कुमारी कुंवर जो है उसने भी टॉप किया है। तो कई तरह के रिजल्ट जो है अब प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दिए जा रहे हैं। किस तरीके के ऑप्शन है अंकुश? यहाँ से मान लीजिए कोई बच्चा अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, जैसे उसे उम्मीद थी उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया, तो फिर वो क्या यहाँ से कर सकता है? चलिए, अंकुश से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये जानकारी हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर अभी आपने भी या फिर आपके बच्चे इसमें एनरोल हुए थे, 10वीं और 12वीं में छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत एग्जाम दिया था, तो आप भी cgbse.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट results.cg.nic.in पर भी परिणाम देखे जा सकते हैं। 10वीं में 3,42,000 छात्राओं ने एग्जाम दिया, जिसमें 2 मार्च से 21 मार्च तक ये परीक्षाएं हुई थी। आचार संहिता के बावजूद और टीचर्स के बिजी होने के बावजूद भी, चुनाव ड्यूटी लगी हुई उसके बावजूद भी जल्द रिजल्ट घोषित किया गया। 2,62,000 बच्चे 12वीं में एनरोल हुए छत्तीसगढ़ बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके अलावा ये दूसरी वेबसाइट, इन दोनों पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। करीब 3.5 लाख बच्चों ने दिया था 10वीं का एग्जाम। कुल मिलाकर ओवरऑल ये 6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया था और ये रिजल्ट जारी हो चुका है। 10वीं में 75.61% छात्र पास हुए हैं, रिजल्ट घोषित हो गया है। रिजल्ट आपके सामने जो जारी किया गया है, 12वीं में करीब 81%, 12वीं में 34.07% ऐसे छात्र हैं जो कि प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास से वो पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास नंबर से। ये नतीजे घोषित कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने एक बार फिर से
बाजी मारी है। बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर से लड़कियां बाजी मारती हुई नजर आई हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये रिजल्ट को लेकर अगर आप किसी तरीके से असंतुष्ट हैं तो आप